देखिए, इस समय आप जानते हैं कि अयोध्या हमेशा से हाई अलर्ट पे रहती है और आतंकवादी घटनाओं के होने से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अपनी मैन पावर को प्रॉपरली ब्रीफ करना, उनको प्रॉपरली उसके बारे में अलर्ट करने के लिए हमने बताया है उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किस किस चीज़ों को क्या करना है, वो उनको ब्रीफ किया गया है। देखिए, सोशल मीडिया पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए हैं, बट सोशल मीडिया पर हम लोग नज़र रख रहे हैं, हमारी टीम्स हैं जो सोशल मीडिया पर नज़र रख रही हैं, और सोशल मीडिया पर यदि कोई भी गलत कुछ भी प्रसारित होगा तो उसके विरुद्ध जरूर हम लोग सुसंगत नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें धारा 144 लगी हुई है और कैटेगोरिकली उसमें बताया गया है कि किसी भी प्रकार का विजय जुलूस परमिट नहीं है, परमिशन उसके लिए जो है वो लेनी होगी। और जो ये धार्मिक कार्यक्रम है, यदि लोग अपने अपने घरों में कर रहे हैं तो उसमें तो संविधान में बेसिक अधिकार है। देखिए, सभी तरह के कंपोनेंट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, सिविल पुलिस, PAC, RAF, CPMF, सभी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा CCTV, ड्रोन, ये सभी चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, PA सिस्टम्स, हमारी संचार प्रणाली, जो वाहन वगैरह हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में काम किया जा रहा है। जो भी तैयारियाँ की जा रही हैं वो आपको समय पर अवगत कराएंगे। देखिए, ऑलरेडी इसमें नियतन रहता है, फोर्स पहले से वहाँ पे मौजूद है। जैसा आपको मालूम है कि हाई सिक्योरिटी जोन है, उसमें सिक्योरिटी की जो हमारी स्कीम रहती है वो पहले से लागू है। इसके अलावा जो एडिशनल फोर्सेज वगैरह आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं, उनको लगाया जा रहा है, और सुरक्षा की व्यवस्था जो है उसको लगातार चेक भी किया जा रहा है। राजेश जी,